नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माफी चाहता हूं कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया किसी कारणवश, लेकिन अब लगातार आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोग सारे सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो उसी की श्रृंखला में ये आगे बढ़ रहा है कि कैसे प्रेडिक्शन करें हम दशा की और अंतर दशा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चीज तो हम लोग कह देते हैं कि भाई आपको ये वस्तु मिलने वाली है, लेकिन ये वस्तु कब मिलने वाली है, किस समय मिलने वाली है, कौन सी दशा है या कौन सी अंतर दशा है या कौन सी प्रत्यंतर दशा है जब ये वस्तु मिलने वाली है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, कि कैसे हम लोग इनका रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करें, कुंडली के अंदर कैसे इनका रिजल्ट देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है इसमें, मैं आपको बता दूं कि मेन फर्क जो पड़ता है जातक के ऊपर या नेटिव के ऊपर, वो अंतर दशा का फर्क पड़ता है, उसका मेन फर्क है। तो वो ज्यादातर वो ही लेना चाहिए। दशा जो महादशानाथ है वो बेसिकली इसको सपोर्ट करता है। कहते हैं कि अगर अंतर दशानाथ बहुत अच्छा हो, आपको फल देने वाला हो, और महादशानाथ बुरा भी हो, वो आपको फल नहीं देने वाला हो, तो उस केस में भी फल आपको 50-60% मिल जाते हैं, क्योंकि अंतर दशानाथ आपको फल देना चाहता है। लेकिन अगर आपको दोनों ही फल नहीं देना चाहते तब फल नहीं मिलते। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि इनमें महादशानाथ में अंतर दशानाथ में आपस में एक तारतम्य होना चाहिए। तो सबसे पहले इस बारे में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी मैंने बताया है कि दशा और अंतर दशा के फल कैसे मिले, लेकिन शायद आप यहाँ उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। उस श्लोक में ऋषि पाराशर ने लिखा है कि साधारणम विशिष्टश्च, साधारणम विशिष्टश्च दशा नाम द्विविध फलम। मतलब द्विविध फलम का मतलब दो फल, दशाना मीन्स दशा में, तो दशा में दो फल मिलते हैं। ये महादशा भी लगा लीजिए इसको, अंतर दशा भी लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए इसको। कि पाराशर ने कहा है कि दशा में दो फल मिलते हैं, साधारणम विशिष्टश्च, यानी एक फल साधारण होता है, एक फल विशिष्ट होता है। अब साधारण फल क्या होता है? साधारण फल मतलब जो उस ग्रह के कारक होते हैं, जैसे गुरु है, गुरु की दशा आती है या गुरु की अंतर दशा आती है, तो ठीक है, संतान दे सकता है, धन दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, वो सब चीजें वो दे सकता है, क्योंकि वो उसका कारक, सब सब गुरु के कारक है। इसी प्रकार बुद्ध की दशा आती है तो पढ़ने में आपकी इच्छा जागृत कर सकता है, आपको बुद्धि प्रदान कर सकता है, आपको विवेक प्रदान कर सकता है, चूंकि बुद्ध इन सब चीजों का कारक है। मंगल की दशा आती है तो आपको एनर्जी मिलती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, क्योंकि वो इन चीजों का कारक है। तो ये तो हुआ उनका साधारण फल। तो अब इसमें कहते हैं साधारणम विशिष्टश्च दशानाम द्विविध फलम ग्रहणाम च स्वभावेन स्थान स्थिति वशेन च। ग्रहणाम स्वभावेन मीन्स कि एक फल तो वो जो ग्रहों के स्वभाव के अनुसार मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रह किन किन चीजों का कारक हैं, वो फल आपको मिलते हैं। दूसरा फल वो स्थान स्थिति वशेन च मीन्स कि ग्रह किस स्थान में बैठा है, किस स्थान का स्वामी है, कहाँ दृष्टि डाल रहा है, जो भी स्थान और स्थिति उसके वश में है उन सब के फल वो देता है। तो साधारण और विशिष्ट दो प्रकार के फल मिलते हैं। साधारण फल मिल्स उसके स्वभाव के अनुसार, और विशिष्ट फल उसकी स्थान स्थिति वशेन च, स्थान और स्थिति के अनुसार जो फल मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट ये होता है। तो इसमें एक तो चीज ये वाली आपकी आ गई। दूसरा श्लोक में वो कहते हैं ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशा चुचे आद्य दृष्ट कौन गे खेटे दशारंभे फल वदेत। उनका कहने का मतलब है कि ग्रह वीर्यानुसारेण, वीर्यानुसारेण मीन्स ग्रह अपने बल के अनुसार फल देते हैं। अगर ग्रह बली होगा तो अच्छा फल देगा अपनी दशा में, ग्रह निर्बल होगा तो जाहिर है कि वो अच्छा फल नहीं देगा आपको अपनी दशा के अंदर। तो ग्रह जो है वो अपने बल के अनुसार फल देते हैं। आद्य दृष्ट कौन गे खेटे दशारंभे फल वदेत, वो कहते हैं कि जो ग्रह प्रथम दृष्टिकोण में हो, यानी 0 से 10 डिग्री का हो, तो उसका फल दशा के आरंभ में मिलता है। जो ग्रह 0 से 10 डिग्री के बीच में हो,
यानी कि प्रथम दृष्टिकोण में हो। दृष्टिकोण का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 3 दृष्टिकोण होते हैं। तो जो 0 से 10 के बीच में होगा उसका फल दशा के आरंभ में मिलेगा, जो ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में होगा उसका फल दशा के बीच में मिलेगा, और जो फल 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा जो ग्रह उसका फल दशा के अंत में मिलेगा। और वक्री ग्रह जो होते हैं उनमें यही क्रम उल्टा हो जाता है, उनमें 20 से 30 वालों को सबसे पहले, 10 से 20 वालों को बीच में, और 0 से 10 वालों को सबसे बाद में फल मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक थे जो पाराशर होरा शास्त्र से मैंने आपको बताया, जो ऋषि पाराशर ने कहा है कि दशा के अंदर कैसे फल मिलते हैं। तो आप बिल्कुल ये क्लियर करके रखिए कि दशा में दो ही प्रकार के फल मिलते हैं, एक तो ग्रह के स्वभाव के अनुसार, दूसरा ग्रह जहां बैठा है, जहां देख रहा है, जहां का स्वामी है, और जहां जहां उसकी स्थिति और जहां जहां उसका वश चल रहा है वहां वहां के अनुसार स्थान तिथि स्थिति वशे निचय के हिसाब से उसके फल मिलते हैं। अब इसके लिए जरूरी है, और दूसरी चीज हमने ये बताई कि ग्रह वीर्यानुसारेण, यानी ग्रह अपने बल के अनुसार फल देता है। अब बल कैसे निकाले इसका? बल तो आप सब जानते ही हैं कि बल कैसे हुआ, कि ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, ग्रह लग्न में बैठा हो, ग्रह केंद्र में बैठा हो, ग्रह त्रिकोण में बैठा हो, ग्रह शुभ कतरी योग में हो, ग्रह 6, 8, 12 के अंदर ना हो, तो ग्रह बली कहलाता है आपका। अगर वही ग्रह आपका नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 के अंदर बैठा हुआ हो, 6, 8, 12 हाउसेस में बैठा हुआ हो, तो वही ग्रह आपका कमजोर कहलाएगा। तो अगर कोई ग्रह आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा है, धन भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, इवन लाभ भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, लाभ भाव में बैठा है, तो वो ठीक है, वो जाहिर है कि वो ग्रह बली है और अपनी दशा में वो अच्छे फल देगा। तो ये सब चीजें निकालना बहुत जरूरी है, ग्रह का बल। तो ग्रह का बल निकालने के बहुत तरीके हैं कि उसको देखिए कि वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ भाव में है, धन भाव में है। फिर ये भी देखिए कि ग्रह के ग्रह पाप कतरी योग में तो नहीं, शुभ कतरी योग में है या पाप कतरी योग में तो नहीं है। या फिर ये भी देखिए कि ग्रह अपने वर्गों में, मान लीजिए 10 वर्ग आप देखते हैं या षड वर्ग आप देखते हैं या षोडश वर्ग आप देखते हैं, तो कितने वर्गों में, मतलब एटलीस्ट 50-60% वर्गों में अगर वो अपने ही स्वय राशि का आता है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में आता है, या अपनी ही उच्च राशि में आता है, या अपनी ही अधिमित्रों की राशि में आता है, तो उस केस में भी ग्रह को बली कहा जाता है। तो इस तरीके से ये ग्रह को बल मिलता है। तो ग्रह जितना बली होगा उतना ही इम्पोर्टेंट है, या उतना ही फल दशा में अच्छा मिलेगा। अब जैसे मैं आपको छोटा ऐसे एग्जांपल्स देता हूं कि अगर मान लिया कि लग्न बलवान हो तो लग्नेश की दशा जब भी आएगी, लग्न बलवान हो या लग्नेश बलवान हो, बात एक ही हो गई। लग्नेश बलवान कैसा होगा? लग्नेश केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, 6, 8, 12 में ना हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, शुभ कतरी योग में हो, शुभ ग्रहों से त्रस्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो। तो अगर लग्न बलवान हो, लग्नेश की दशा में जातक का प्रभुत्व जगत में पड़ता है, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वो सदाचार के मार्ग पे हमेशा चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली होती है। सिमिलरली यदि सेकेंड हाउस का मालिक द्वितीय अगर बलवान होगा तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको खाने में बहुत आनंद मिलेगा, आप आपकी वाक शक्ति, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसके बेस पे आप पैसा अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, इतना अच्छा आपकी वाणी शक्ति हो जाएगी, आपका कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर सुख बढ़ेगा, जो भी दूसरे भाव के फल है वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरे भाव का स्वामी अगर बलवान हो जाए तो आपको उसकी दशा में भाई बहनों से प्रेम रहेगा, आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी, आप किसी समुदाय के या किसी सेना में आप अच्छे बन सकते हैं, किसी समुदाय के नेता बन सकते हैं, किसी सेना में ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा स्थान, चतुर्थ स्थान का मालिक अगर आपका बली होगा तो क्या होगा, उसमें जातक को आपको सारे परिवार का सहयोग मिलेगा, आप सुख से रहेंगे, आपको माता का सहयोग मिलेगा, स्त्री के साथ सुखपूर्वक आप रहेंगे, आपको कन्वेंस, व्हीकल, मकान, सब चीज की सुविधाएं मुहैया होंगी, क्योंकि आपका वो बलवान है। इसी प्रकार से अगर आपका पंचमेश बलवान हो तो क्या, जो पंचम से रिजल्ट आते हैं उनको देखिए कि आपकी संतान बहुत सुखी रहेगी, आपके राजाओं का जो आपको आशीर्वाद कहते हैं ना, कि कहते हैं कि जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ CEO होते हैं या MD होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनसे आपको बड़ा अच्छा, जो आपका बॉस है उससे आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। ये सब चीजें पांचवें घर से देखी जाती हैं, या आप
कोई लॉटरी में इंटरेस्टेड रहता है, कोई शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रहता है, तो उसके उसको भी इसके अंदर पूरी पूरी जीत मिलने की संभावना होती है, क्योंकि अगर पांचवा भाव या पांचवे भाव का स्वामी अगर आपका मजबूत होता है, इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी अगर मजबूत हो तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो छठे भाव का स्वामी मजबूत होगा तो रोग आपसे दूर भागेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके ऊपर ऋण की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, शत्रु आपके आपसे वश में रहेंगे, मतलब शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सप्तमेश अगर आपका बलवान हो तो आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, पत्नी आपकी बहुत अच्छी होगी, ज्ञानवान होगी। अष्टमेश अगर आपका बलवान हो तो कोई पीड़ा आपको नहीं होगी, आपको कोई कलह वगैरह नहीं होगी, आप बड़े आराम से रहेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका भाग्येश बलवान हो, नवमेश बलवान हो, तो नवमेश बलवान हो तो उसकी दशा में क्या होगा कि जातक धार्मिक तीर्थ तीर्थ यात्रा भी करेगा, धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है या कंसल्टेंसी करना चाहता है तो उसके अंदर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी अगर बलवान हो तो क्या होना है, तो ये होना है कि आपका जो भी काम में आप शुरू करेंगे, कर्म बेसिकली तो प्रोफेशन से है दशम भाव का, अगर आप देखो, हालांकि ओवरऑल कर्म है ये, प्रोफेशन तो उसका एक पार्ट है ओवरऑल कर्म का। कर्म मीन्स जो भी कर्म आप करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, वो दसवें स्थान से देखा जाता है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप घर में काम करते हो, चाहे आप अपने जीवन में कोई कर्म करते हो, अच्छा कर्म बुरा कर्म, वो सारे कर्म आपके दसवें भाव से ही आते हैं। तो चलिए हम प्रोफेशन को लेके चलते हैं, थोड़ा और माइन्यूट कर लेते हैं चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दसवें भाव का स्वामी मजबूत हो और उसकी दशा आएगी तो आपका प्रोफेशन वाला हाउस मजबूत होगा, आपकी प्रमोशंस के चांसेस होंगे, आपको प्रोफेशन में तरक्की मिलने की चांसेस होंगे, आपको बॉस की रिकॉग्निशन मिलेगी, आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे, जो कार्य स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इस तरह की बात उसमें होने शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपके ग्यारहवें भाव का स्वामी बलवान हो तो उसकी दिशा में क्या होगा, आपको निरंतर आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपको लाभ मिलेगा, आपके बड़े भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि ग्यारहवें भाव से बड़े भाई बहनों का सुख भी देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपका बारहवें भाव का स्वामी बलवान हो तब क्या मिलेगा कि तब आपका आपकी जो जो व्यय तो आपका होना है, क्योंकि बारहवें भाव का जो अर्थ है वो होता है एक्सपेंडिचर कराना। अगर बारहवें भाव का स्वामी खराब है तो वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर कराएगा, अननेसेसरी व्यय कराएगा, लेकिन अगर बारहवें भाव का स्वामी अच्छा है तो आपके वो व्यय बच्चे मार्ग पे करवाएगा, सतमार्गों पे करवाएगा, धर्म के मार्ग पे करवाएगा, परोपकार के लिए आपका व्यय करवाएगा, यानी ऐसा व्यय करवाएगा जहां से आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है, चाहे वो प्रभु के कृपा के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, इस तरीके का कार्य वो आपसे करवाएगा अगर आपका द्वादश भाव का स्वामी बली है। और अगर द्वादश भाव का स्वामी आपका 6-8-12 में है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, तो उस केस में आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होगा, या आप ऊपटांग तरीके के व्यय करेंगे, आपका मतलब जो होगा कोई मतलब अननेसेसरी जिसे कहना चाहिए आप पैसा खर्च करेंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, वो सब चीजें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट भाव के स्वामी मजबूत हों तो कैसे होता है, और इसी तरीके से जब इनके रिजल्ट वैसे निकालने हों, जब भाव स्वामी कमजोर हों तो रिजल्ट इनके अपोजिट हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट अच्छे कब होंगे, जब स्वामी बलवान होगा। बलवान कब होगा, जब वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, शुभ ग्रहों से युत हो, या शुभ कतरी योग में हो, अपने वर्गों में या षट वर्ग में, दस वर्ग में, जो वर्ग आप देखते हैं उनमें मैक्सिमम वर्गों में, अपने ही वर्गों में हो या शुभ वर्गों में हो, शुभ वर्ग मीन्स के शुक्र के बृहस्पति की राशियों में हो। अब ग्रह कमजोर कब हो जाएगा, ग्रह कमजोर जब हो जाएगा जब ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, 6, 8 या 12 नंबर हाउसेस के अंदर बैठा हो, इवन तीसरे नंबर हाउसेस में भी ग्रह थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन फिर भी इसको मान लेते हैं कि थर्ड हाउस भी ठीक हाउस नहीं माना जाता, तो तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें हाउस में अगर ग्रह बैठा होगा तो उसके अंदर कमजोरी आ जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में वो इतने अच्छे फल नहीं कर पाता, फिर वो फलों में हानि करता है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा दशा के बारे में, अंतर दशा के बारे में, कैसे कैसे फल मिलते हैं और कैसे कैसे हम लोगों को अंतर दशा को स्टडी करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है आज, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।